देखिए, ये है खीर, ये है वो पनीर, ये है चटनी, ये है साबूदाना खिचड़ी। कैसी लग रही है? ये है रायता। प्रेजेंटेशन और टेस्ट तो अभी पता चलेगा, पर जो खुशबू है वो जबरदस्त है। क्या बना रहे हैं? कुट्टू के पकोड़े। कूटू के पकोड़े। आज फास्ट है यस, नवरात्रों का, आज गेस्ट बुलाए हैं तो तो कुछ लोग गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी कूटू के पकोड़े सर्व करेंगे। तो कूटू के पकोड़े, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको पता ही होगा। देखिए क्या बेहतरीन है। ये रिफाइंड में बना रहे हैं हम लोग। यस, रिफाइंड ऑयल। तो क्या क्या डाला है हम लोगों ने इसमें? इसमें कोटू, हाँ हाँ सिंघाड़े का आटा, हाँ हरा धनिया, हाँ हरा धनिया, व्रत का नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, बस बस, कोई भी मसाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ नमक और काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च। हाँ, पनीर के साथ भी बना सकते हैं, लौकी के साथ भी बना सकते हैं, बॉइल्ड आलू भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स पकोड़े बना सकते हैं। हाँ, इस तरह से। और फास्ट जो है एक्चुअल में क्या है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए फास्ट। हम लोग नॉर्मली फास्ट में साबूदाने की खिचड़ी या ऐसा कुछ खाते हैं, बट आज हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें पकोड़े बहुत पसंद हैं, और हमारे वीर को भी, तो आज उनके लिए स्पेशल बन रहा है पूरा प्लेटर। ये चिपक जाते हैं, अपने आप सिकेंगे तो छूटने लगेंगे, उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जब तक पलटना नहीं है, जब तक खुद कढ़ाई से ना छूटे। कुटू नॉर्मल पकोड़े की तरह नहीं होता, जब वो कढ़ाई में जाएगा तो वो नीचे तलवे पे थोड़ा सा चिपकता है, बट जैसे ही पकोड़ा पक जाएगा ना नीचे से, वो अपने आप पलट जाएगा। ये सारे अपने आप पलटने लगे, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग में अगर कलछी मार दी तो सारा फैल जाएगा। और कुट्टू के साथ सिंघाड़ा ऐड करो तो ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। देखो कितना इजीली अलग हो गया वो, जैसे ये है, ठीक है, हल्का सा ऐसे करें, इनका अलग हो गया वो। पता कैसे चलता है कि ये पक गए? एकदम ब्राउन कलर आ जाएगा, डार्क, अभी बहुत लाइट है। तो अगर आप इस तरह से फ्राई कर रहे हैं और डार्क ब्राउन जब ये दिखने लगे, इसका मतलब ये बन के तैयार हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें आलू दिख रहा है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें। इसकी जो कोटिंग होती है ना, वो बेसन वगैरह की तरह नहीं होती, इतना इजीली पकड़ नहीं पाती आलू को। तो जब आप डालते हैं, मैं डाल के भी बताऊंगी बाद में, जब आप डालते हैं ना तो थोड़ा सा कुट्टू एक्स्ट्रा हाथ में लेना होता है, एक साइड इसलिए हल्का सा ऐसे आलू रह जाता है। और ये जो कुट्टू मैंने यूज़ किया है, ये साबुत कुट्टू को पीस के यूज़ किया है, मैं वो भी दिखाती हूँ। ये साबुत कुट्टू है, इसको ये हमारे यहाँ आता है मथुरा से, मेरी मम्मी भेजती हैं, या तो पीस के भेज देती है, अगर बहुत टाइम यूज़ करना है तो वो ये कुट्टू भेज देती हैं। मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जब फास्ट होता है उसी दिन आप पीस लो। उससे क्या डिफरेंस होता है, बाजार का जो आटा है मिक्सर में नॉर्मल, जैसे धनिया पीसते हैं, बाजार का जो आटा है ना वो एकदम ब्लैक कुट्टू रहेगा, क्योंकि वो भी छिलका एंड ऑल करते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसके जो पकोड़े बनेंगे ना वो डिफरेंट होंगे कलर में। आटे का भी देखो कलर ब्लैक नहीं है, अदरवाइज जो मार्केट में मतलब मिलता है उसमें ये हल्का सा लाइट कलर है। हाँ, आपको पता है आप फास्ट में ना एकदम ऑथेंटिक कुछ खा रहे हैं, कुछ मिलावट नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ फास्ट में बाहर की चीजें भी नहीं खाते ना, इसीलिए। तो इसका जो प्रोसेस है भाई, हम लोगों ने सीखने लगे हैं, देखो। हाँ, हल्का सा ब्राउनिश कलर आने लगा, आलू का कलर ब्राउन होने लगा है,
ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, मैक्स 10 मिनट में हो जाते हैं। और गर्मा गर्म पकौड़े खाओ तो तबीयत खुश हो ही जाती है। अब ये ऑलमोस्ट हो गए, अब निकाले जा सकते हैं। ये डिफरेंस है, अगर बाहर का कूटू होता ये एकदम ब्लैक पकोड़ा होता, आप थालियां वगैरह बाहर रेस्टोरेंट के देखेंगे वो एकदम ब्लैक रहते हैं, बट ओरिजिनली ये कलर होना चाहिए और ये बहुत क्रिस्पी भी होंगे क्योंकि बाहर बहुत मतलब बारीक आटा मिलता है। ये मैं थोड़ा दरदरा पीसती हूँ, आपको क्रंचीनेस आएगी जो आप खाएंगे। रवा, जैसे पकोड़े में हम रवा ऐड करते हैं ताकि थोड़ा क्रंची रहे, तो ये रवा जैसा ही काम करता है। बाहर तो बहुत ज्यादा उसको पीस देते हैं तो वो मैदा जैसा हो जाता है। और सेकंड थिंग, ये ऑयल कम पीते हैं। यस, ये थोड़ा दरदरा आटा है, ये ऑयल बहुत कम पिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा, जैसे कि जब पूड़ी बनाते हैं अगर थोड़ा दरदरा रहेगा आटा तो वो तेल कम पीती है, यस घी कम पीती है, और अगर थोड़ा सा क्रंची नेस अगर आपको उसमें लानी है तो थोड़ा दरदरा, थोड़ा मोटा पिसवाइए आटे को। तो भाई नवरात्र चल रहे हैं तो बिना भोग लगाए तो कुछ भी खाया नहीं जाएगा, तो हर चीज़ का हम लोग फास्ट का पहले भोग लगाते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। ये देवी माँ हैं, जय देवी माँ। तो ये जीरा डाल रहे हैं, आज हम बना रहे हैं इसमें फास्ट में जो खाने वाली पनीर की सब्जी। तो जीरा रेड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर और हरी मिर्च। इसमें खीर बन रही है, तो ये है व्रत का प्लेटर रेडी हो रहा है। ये क्या है? नमक। ये है कौन सा नमक? सेंधा नमक ना? सेंधा नमक। अब काली मिर्च, अब डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च। और कुछ नहीं, दैट्स इट। अभी हमें कितनी देर के लिए वेट करना होगा? 5 मिनट्स। हम 5 मिनट्स वेट करेंगे। एकदम स्लो पे ढक के छोड़ देंगे। तो गैस को स्लो करना है और ढक देना है। तो 5 मिनट अब इसको ऐसे रहने दो, फिर तैयारी हो जाएगी पनीर को डालने की, करेक्ट? ये पनीर हमने चॉप करके रख लिया है, इसके जो क्यूब्स आपको कैसे बनाने हैं वो आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। को थोड़ा सा मैश कर देना है जिससे कि अच्छे से ये पनीर में आपके मिल जाए। और पनीर के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे करा करो, जिससे कि फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम ना रहे कि उसको पनीर क्यूब्स नहीं मिले। ये बहुत छोटे नहीं हैं। और ये जब भी देखो प्रेमलता क्या कर रही है, जब मैं इधर से वीडियो बना रहा हूँ तो इधर से डाल दे रही है। गाइस बट देखो डलना तो यूट्यूबर, डलना तो देखो कढ़ाई में ही है, इसमें पानी डालना जाएगा, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी डाला जाएगा इसमें। इसको थोड़ा सा लिक्विड ग्रेवी का वो देने के लिए। यस, ये पानी डालने के बाद इसको फिर से ढक देना है, ठीक है? कितनी देर के लिए ढकना होगा? 5 मिनट्स।
वापस से 4-5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। मैक्स 15 मिनट्स में बन जाती है, एकदम सिंपल। इतनी ग्रेवी हम छोड़ेंगे बिकॉज पनीर जो है ना धीरे धीरे पूरी ये ग्रेवी सोख लेगा। ऑलमोस्ट डन है, गैस ऑफ कर देते हैं और उसको वापस से ढक के छोड़ देंगे ऑफ करने के बाद, राइट? यस। इसमें दिस इज द एक्स फैक्टर, धनिया से गार्निशिंग कर दिए। यस, देखो यार क्या तगड़ा लग रहा है, बहुत टेस्टी। नो अनियन, नो गार्लिक, नथिंग, बट ये बहुत टेस्टी होता है क्योंकि पनीर का अपना टेस्ट आता है। अपनी बन रही है खीर, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऊपर घूम रहे हैं, बादाम, इलायची वैसे बिल्कुल लास्ट में डलता है, बट इट इज फाइन समटाइम्स। बन चुकी है। या नहीं, इलायची नहीं डाला है अभी, इलायची इज हियर। ओ इलायची तो इधर है। ओके यस गाइस, तो अभी बाकी ड्राई फ्रूट्स इन्होंने डाल दिए हैं जो कि सही है। इलायची जैसे ही खीर बन जाएगी उसके बाद डाला जाता है। यस, जिससे कि अदरवाइज उसकी जो खुशबू है वो उड़ जाएगी। जीरे वाले आलू बच्चों के लिए, फॉर द किड्स एंड फॉर द बिग किड्स लाइक अस। खीर रेडी हो चुकी है और इधर जो है खीर रेडी हो गई है। वाह वाह, इसमें इलायची डाल दिए, गैस बंद हो गई है, चला के छोड़ दो इसको थोड़ा। गोलू बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ओके जीरा, ज़्यादातर डिशेज में ना जीरा पहले डलता है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। क्या खाना अभी? जो हम दही अभी दे रहे हैं, जीरा और आलू, या आलू जीरा कह लीजिए। अगर ये वाली सब्जी बनाते हैं तो आलूओं को पहले उबाल लेना चाहिए। यस, गैस लो। तो इसको जीरा को मिक्स कर देंगे। क्या खुशबू आ रही है घी की, देसी घी में बन रहा है। हमारे पति को डिफरेंस ही नहीं पता जीरा और शाही जीरा में, तो ये शाही जीरा लेके आ गए। मुझे सच में नहीं पता है भाई, वैसे क्या डिफरेंस होता है शाही जीरा और जीरे में? शाही जीरा मतलब बिरयानी ये सब में यूज होता है। मुझे लगा था कि हम लोग शाही हैं तो इसलिए शाही जीरा। जस्ट किडिंग, ये मजाक था भाई, पिछले जो मैंने लाइन बोली थी। ये नमक डाल दिया इसमें, सेंधा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च बस। और ये है काली मिर्च जो कि इसमें तगड़ा फ्लेवर देगी। इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। ये पीछे से जो वीर का बैकग्राउंड टीवी चला रहे हैं, तो बस अब इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ये सिकता रहेगा अपने आप। इसको मिक्स कब करेंगे? मिक्स है ये। ओके थैंक यू सो मच। आलू सिक रहे हैं तो मैं इन्हें पलटती जा रही हूँ। मतलब इससे क्या है कि हर साइड में से आपको, यस देखो ये वाला आलू सिकना चाहिए, हाँ ब्राउनिश हो जाना चाहिए। ये स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। स्लो पे छोड़ दो ऐसे। पापा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू आ रही है भी? आपको खाना है? दिखाते हैं कि आज क्या बना है प्लेटर में। ये देखिए, ये है खीर, ये है वो पनीर, ये है चटनी, ये है साबूदाना खिचड़ी। कैसी लग रही है? ये है रायता। प्रेजेंटेशन
और टेस्ट तो अभी पता चलेगा, पर जो खुशबू है वो ज़बरदस्त है और प्रेजेंटेशन भी ज़बरदस्त है। बताइएगा आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू गोलू।